अंदर न चल करे चंद हे गाइस टचतिले एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ टिबेटन स्वीट छुरा कैसे बनाते हैं घर में, विच इज़ वेरी इजी एंड आल्सो इट्स वेरी डिलीशियस गाइस। तो अब लोसर आने वाला है तो मैं इसलिए ना अब सबको ये छुरा, वैसे थोड़ा मिलने में थोड़ा मुश्किल है, हमें तो लोसर में चाहिए होता है भगवान में चढ़ाने के लिए, एज नॉर्मल है ना खाने के लिए भी चाहिए होता है ये वाला छुरा ना, तो कहीं कहीं जगह में लेकिन हमें परचेस करूँ सोचा कभी है ना वो मिलता नहीं है यहाँ पर इजीली है ना। तो आज घर में कैसे बनाते हैं मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ ये वाला रेसिपी एंड होपफुली यू गाइस इन्जॉय द टुडे रेसिपी। ओके छांग मलोला अन थिरिंग गाज निंदुंग दी नालंगी खेरांग चोला छुरा गामो खंडे सोगो मेयो होन दी तें चिदांग गेंगे छुरा गज कलर सोदांग दिंगे माने तें छाइन यो तंदा दी नालंगी छुरा गामो खंडे सोगो मेयो होन दी तें चिदांग गजो लोसर लेरो दुआ लोसर लेना गजो दिनजो यांग को दुआनी सजा खासी लगा जो न्यूनी डोने यहाँ ती छुरा दी रही मिंदा धीरे ये खेला चलो यहाँ नांग लखन दे सो को मे ओं दीते हैं संगमा लटो चुंगे रे ओके अन धीरे ये दिन अन नगा नी सुधाम तेम गोर द खेला चलो यहाँ अन वीडियो दी स्किप मचे नी तरु चिलो खासी यहाँ जो डो कुई दो यहाँ दी चिलो खरे रेसिपी दी तक ता छा मसो लनी यो अन यहाँ खेला जो किमा किमा स्किप चे ना अन रेसिपी दी सिंगी मरता हो सा एक स्टेप मिस हो गया कभी आपको ना वो रेसिपी नहीं मिलेगा, इसलिए डोंट स्किप द वीडियो, यू हैव टू वॉच प्रॉपरली देन यू कैन लर्न ऑल थिंग। ओके तो मैंने यहाँ पर है ना दो टाइप का दूध लिया है, मेनली हमें चाहिए काउ मिल्क, पर मुझे काउ मिल्क ज़्यादा नहीं मिला तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ये अमूल अमूल मिल्क भी अच्छा होता है, जो टोन वाला नहीं थोड़ा ना जो फैट्स होता है ना वो वाला, तो उसमें थोड़ा दूध गाढ़ा होता है ना, तो वो वाला मैं यूज़ किया। और हमने पैकेट लिया, हम मैंने 10 पैकेट यूज़ करो, मैंने सोचा बना ही ले रहे तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लेता हूँ ना, और हमें लोसर भी आने वाला है तो इसको तो चाहिए चाहिए होते हैं। ओके तो अभी हमने पूरा दूध को डाल दिया, अब हम इसको ना उबालने जाते हैं। ओके गाइस तो अभी हमारा एक मिनट तक हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो गया है और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, तो वैसे तो आपको ना दूध जैसे उबाल ही काफ़ी है अगर आपको दूध गाढ़ा है तो अब नेक्स्ट हम डाल दें यह है योगर्ट, तो यह है दही, मैंने सिंबल है ना इंडियन दही यूज़ किया, इसको ना ओपन करके रखे तो दही जितना खट्टा है ना उससे ना हमारा क्या बोल छुरा अच्छा से निकल जाता है, तो इसको मैंने ना एक लीटर डाला है, तो इसको हम अच्छा से डाल गए ना सब डाल देता। आगे हमने लो फ्लेम रखा ना, अभी थोड़े से हम बड़ा करेगा इसको ना, तो ये उबालना स्टार्ट हो गया देखो, और हमारा छुरा भी बहुत अच्छा से निकल गया है, और मैंने इसका ना क्या बोलते हैं फ्लेम भी थोड़ा बड़ा किया है अभी ना, देखो कितना अच्छा से, तो उसको हम थोड़ा देर तक है ना बॉयल करेगा, इससे क्या होता है हमारे छुरा का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अच्छा से मिक्स भी हो जाएगा और हमारा छुरा भी अच्छा से निकल जाएगा ना, बॉईल करेगा तो ना इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। वैसे मैंने पहले भी वीडियो में भी बनाया, आप वो भी वीडियो देखने जा सकते हैं, उसमें भी मैंने अलग अलग शेप में बनाया है वैसे ना, वो भी चाहिए तो देख सकते हैं, वो टिबेटन लैंग्वेज में है। तो अभी हमारा छुरा भी हो गया है, अब इसको मैंने बंद कर देते हैं हम, तो नेक्स्ट अभी हम इसको ना, वैसे तो आप डायरेक्ट पानी फेंक भी सकते हैं, बट मेरे मम्मी बोल रहे हैं इसमें है ना पानी मत फेंको, ये इससे टिंगो गुनेगा बोला, पता नहीं मैंने कभी यूज़ नहीं किया बट ये मम्मी बोल रहे हैं। तो अभी इसको ना छानने के लिए हमने है ना जस्ट चीज़ क्लॉथ ले लो कोई से भी आप है ना, तो मैंने सिंपल यहाँ पर एक क्लॉथ था कॉटन का वही यूज़ कर रही हूँ मैं ना, छू कहाँ सा खो दे हम लोग, कलर के ऊपर हैंग करके रखा है और बहुत गर्म है अभी है ना, इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा 10 मिनट तक ऐसे करके रख देते हैं हम ना, तो ये नेचुरली पानी है ना पूरा गिर जाएगा ना, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं, चलो देखिएगा जो छू टेस्ट है, तो अभी हम इसमें ना आधा आधा रख देते हैं, इसको गूंदना है आटा की तरह ना,
तो ये ड्राई हो गया, तो आगे वाला पानी है ना हमने जो रखा है वो है ना थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं आप। ये स्टिल वॉर्म है ये ना, अंदर अंदर गर्म में। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं इसमें शुगर, तो ये टेस्ट के लिए। तो ये शुगर पाउडर मैंने ना गर्मी बनाया, तो मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून डालूँ। तो इसका शेप बनाने के लिए रेडी है। अब हमने मिक्स कर लिया इसको ना, तो अब इसमें हमने जो केक का डिज़ाइन बना था ना वही यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं ये वर्क करेगा नहीं करेगा, लेट्स सी। तो मैंने पहले तो इसमें पूरा फिलअप कर दिया और इसको निकालने के लिए ट्राई कर रहा था ना मैंने ज़ोर ज़ोर से, लेकिन ये निकाल ही नहीं रहा था ना इसमें से ना। तो एक बार ज़ोर से किया तो ये बीच में से ही फट गया ये ना। तो सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया, वही उसका ही हेड यूज़ किया, बस सिंपल जिप लॉक में ना उसके वन साइड से काट दिया। तो अब इसके साथ देखते हैं ये वर्क करते नहीं करते ना। एक तो इसलिए फट गया क्योंकि ना हमने जो छुरा को ना अच्छा से मैश किया था, लेकिन इतना अच्छा से नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं इसका ना, जो ये बहुत स्मूथली होगा ना ये अच्छा से जाना था, लेकिन ये बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा रफ था ना, तो इसकी वजह से वो फट गया है। तो मैंने क्या किया, इसको ना एक बार ना ब्लेंड किया ना, अच्छा से ब्लेंड किया, तो ये बहुत स्मूथ अच्छा से हो गया था ये ना। तो हमने सिंपल जिप लॉक में फिलअप किया और इसके बाद इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा से आ रहा था गाइस। तो मैंने ब्लेंड किया तो ना बहुत अच्छा था। सो अब नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली है ना इसको ना इंग्रेडिएंट डाल के ना ब्लेंड कर, तो ये बहुत अच्छे से हो रहा था। इसके बाद तो हमारे छुरा का रिजल्ट बहुत अच्छे से आ रहा था, देखो आप देख सकते हैं। वीडियो नशो लाइन दे शोगे ट्रेड रस्ता यार तने छुरा से रारा शिकिप्ता को नशो शिया मदद ओके। तो एक छुरा बना दिया, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा। मैंने यहाँ पर दो टाइप का छुरा टेस्ट बनाया, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ एक में ना मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर डालेगा ना, मैंने नेस्ले मिल्क पाउडर लिया है, ये इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था ना। जो नॉर्मल हम शुगर यूज़ करते हैं ना उससे अच्छा मिल्क पाउडर यूज़ करना आप नेक्स्ट टाइम है ना। शुगर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ किया और 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यूज़ किया ना। तो इसके टेस्ट आप है ना खा के देखना, इसके बहुत डिफरेंट है। जो बाज़ार में बेचते हैं ना वो वाला टेस्ट, ये वाला मिल्क पाउडर बना के हमें मिक्स करेगा ना, इसके टेस्ट सेम था गाइस। सो मस्ट बी ट्राई दिस। तो उसको भी हमने जैसे सिंपली मिक्स किया और ब्लेंडर में डाल के ना सेम प्रोसेस हम इसमें यूज़ किया। थोड़ा सा ना हम सूखा था ना इसमें, थोड़ा सा मैंने वही पानी थोड़ा सा ऐड किया था। तो आप देख सकते हैं इसके थिकनेस। अगेन वी गोइंग टू सेम प्रोसेस रिपीट करेगा इसका ना। तो कंटिन्यूसली हम ऐसे ही बनाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा बनाया आप देख सकते हैं ये ना। तो ये इजीली ना आप किसी में भी सुखा सकते हैं, हम धूप में सुखाने के लिए। तो मेरे पास जो कंटेनर खाली था मैं उसी में सब में फिलअप कर रहा हूँ, क्योंकि ईजीली हम धूप में सुखाने के लिए जा सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने सब में भरा दिया, जो मेरे घर में जो कंटेनर खाली था उस सब में मैंने ऐसे ही भरा दिया। तो थोड़ा सा गैप भी रखना पड़ता है हमें ना। ओके गाइस, तो अब सब डिज़ाइन बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसको ना पंखा के नीचे रख दो। अगर आपकी आप धूप में है तो आप ऐसे धूप में सन ड्राई करो इसको ना। सो गाइस, तो दिस इज सेकेंड डे। तो सेकेंड डे में आप देख सकते हैं इसका कलर ही चेंज हो गया, ये थोड़ा सा ना ड्राई हो गया और थोड़ा से इसका कलर भी थोड़ा से लाइट हो गया। आप देख सकते हैं थोड़ा पीला टाइप है ना नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आराम आराम पूरा छुरा को हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसको ना, ट्रांसपोर्ट करके ना कहीं भी सुखा सकते हैं इसको ना। तो इसको कंटिन्यूसली है ना हमने सन ड्राई करना है। आप है ना इसको ना ऐसे ड्राई करके रख दो, आप कहीं भी है ना, आप जहाँ आपकी घर में धूप आता है उसको ना ड्राई करो अंटिल ये नहीं अच्छा से ड्राई ना हो ना। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है यू मस्ट बी ड्राई कम्प्लीटली इसको ना, जब तक ये करक करक ना हो ना तब तक आपको ना
इसको ट्राई करना है। इसको मे बी एक्चुअली हमारे इधर तो ना धूप अच्छा से नहीं आता है, तो एक महीना इतना लगेगा इसको सूखने में आई गेस। अभी तो पूरा गीला ही है। अभी मैंने एक हफ्ता तक ड्राई किया, फिर पर स्टिल ये क्रंची नहीं होगा। जब तक क्रंची नहीं होगा आपको इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है। तो आप इसको ना एक साल दो साल तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते है इसको ना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपना फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और इन्जॉय करना अपने फैमिली के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे रेसिपी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी योर नेक्स्ट रेसिपी गाइस। बाय। और आप हाँ, और एक बात क्या बोल रहे हैं, लोसर का ना मैंने मोस्टली रेसिपी बनाया, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और पिछले छुरा उस टाइम में ना नॉर्मल छुरा कैसे बनाते हैं वो उसके वीडियो भी मैंने डाला है, वो भी ज़रूर चेक कर सकते हैं आप ना, उसके रेसिपी भी मैंने